सभी साथियों को नमस्कार। मैं अनिश कुमार त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष आकाशीय जनता शैक्षिक एकता समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं आज आपसे बात सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि बहुत सी बातें मैसेज के थ्रू या पोस्ट के थ्रू नहीं की जा सकती। हम अपना संगठन बनाए आज हमें 3 महीने हो गए हैं और आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी खड़े हैं, वो सिर्फ आपकी देन है। मैं ये तो नहीं कहता कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है या हमने बहुत बहुत कुछ हासिल कर लिया हुआ है। हमने कुछ बहुत कुछ हासिल नहीं किया है, या मैं ये कहूँ कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है, वही सही होगा। लेकिन हमारी चर्चा, हमारी बातें, हमारी मांग, हमारी वेदना उन गलियारों तक अवश्य पहुँच रही है जहाँ पर हम अपनी बात रखना चाहते थे और जिस माध्यम से, जिस पीड़ा के साथ रखना चाहते थे, उसी पीड़ा के साथ पहुँच रही है। साथियों, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ इसमें सारा सहयोग आपका है। आपके विश्वास, आपके समर्थन ने हमें यह हौसला दिया है कि हम कुछ कर सकें अपने लिए, आप सबके लिए और सबके हित के लिए। हमने संगठन बनाने के दौरान बहुत सी दुश्वारियां झेली, बहुत सी बातें सुनी, लेकिन हमने ये तय कर लिया था, हमने एक नियम बना लिया था कि जब हमारा संगठन बनेगा, जब हमारा संगठन निर्मित हो जाएगा, तो हम किसी भी साथी से जो समिति में नहीं है उससे किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं लेंगे, ना किसी प्रकार का अंशदान लेंगे। हम जो भी करेंगे, हम सभी साथी मिलकर करेंगे। 20, 25, 30 जो भी हम साथी हैं वो हम मिलकर करेंगे, और हमने किया। हमने बहुत सी परेशानियां भी झेली, लेकिन आप सबकी वजह से हमें वो प्रेरणा मिलती रही कि नहीं, हमें कुछ करना है, और हम लोग कर रहे हैं। उसी दिशा में हमने बहराइच में, श्रावस्ती में और बलरामपुर में एक ऐतिहासिक धरना ज्ञापन का कार्यक्रम किया जिसकी गूंज दूर तक चल रही है। इसी कड़ी में अगला पड़ाव हमारा सिद्धार्थनगर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 3:30 बजे से दोपहर बाद रखा गया है। मैं चाहूंगा कि सिद्धार्थनगर के जितने साथी हैं, जितने भी साथी हैं, वाय साथी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस दिन प्रतिभाग करें, अपनी मांग रखें, अपनी बात रखें और संगठन को मजबूत बनाएं। साथ ही साथ एक ऐसा जनसैलाब दिखाएं, एक ऐसा अपनी जो भी संख्या बल दिखाएं जिससे ये लगे कि नहीं, ये पीड़ा मात्र कुछ जनपदों की नहीं, बल्कि ये तो 8 जनपद के अतिरिक्त भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं कि मुझे कुछ अन्य जनपदों से, जहां आकांक्षी का टैग नहीं लगा हुआ है, वो जनपद भी जिसमें ट्रांसफर न के बराबर ही हुए हैं, जैसे कुशीनगर, सीतापुर, लखीमपुर, इन जिलों के साथियों भी हमसे संपर्क में हैं और लगातार हमसे बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम लखनऊ में अपना आंदोलन शुरू करेंगे, धरना ज्ञापन शुरू करेंगे, वो पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानांतरण की जो पीड़ा है वो मात्र हमारी ही नहीं बल्कि सबकी है। हाँ, अलग बात है कि कुछ जैसे बड़े जनपद हैं, जो फॉरवर्ड जनपद हैं, वहाँ पे बहुत आसानी से हुए। तो अगर हम अपने जनपद, आकांक्षी जनपदों की सिर्फ बात करें तो भी हमारे साथ लगभग 20 से 25 हजार साथी जुड़े हुए हैं। यदि ये साथी चाहें, यदि ये इसमें से आधे साथी भी चाह दें, तो हमारा स्थानांतरण इसी शीतकालीन में हो जाएगा। बस आपकी संख्या बल की आवश्यकता है। साथियों, जैसे सिद्धार्थनगर का कार्यक्रम संपन्न होगा, उसके बाद हमारा सोनभद्र में भी धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जब जब संगठन का आह्वान हो, जिन जिलों में हो, आप लोग अवश्य पहुंचें और अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराएं। अपने वैचारिक जो भी आपके अंदर क्षमताएं हैं उसको आप समूहों में फैलाएं। उसके अतिरिक्त हम आपसे किसी प्रकार का अपेक्षा नहीं रखते, खासतौर पर भौतिक और वैचारिक उद्देश्य के बाद। मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई संगठन बनता है और वहाँ पे रसीदें कटनी लगती हैं या चंदा लेने लिया जाता है संगठन के नाम पे, तो वो फिर वो जो संगठन होता है वो एक तरह से राजनीतिक रूप ले लेता है, राजनीति का अखाड़ा बन जाता है और लोग 100 तरह की बातें करने लगते हैं और वो संगठन फिर अपने उद्देश्यों से भटकने लगता है। इसीलिए हमने ये फैसला किया है, हमने नियम बना दिया है कि जो लोग भी जिला कार्यकारिणी में, प्रदेश कार्यकारिणी में या ब्लॉक कार्यकारिणी में रहेंगे,
उनके अतिरिक्त हम किसी से किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग की अपेक्षा नहीं रखेंगे, और यदि कोई अपेक्षा करता है या मांगता है, कोई भी सदस्य मांगता है, तो आप उसकी सूचना प्रदेश कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य को दे सकते हैं या जिला कार्यकारिणी पे दे सकते हैं। साथियों, जब हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, ये अन्य आकांक्षी जनपदों में धीरे धीरे जो धरना ज्ञापन कार्यक्रम है, उसके बाद हमारा एक प्रतिनिधिमंडल प्रयास करेगा माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, शिक्षा मंत्री से मिलने का, अपने विभाग के बड़े अधिकारियों से मिलने का, उनसे प्रयास करेगा कि हमारी मांगों को सुने और कोई सकारात्मक उस पर अपना आश्वासन दे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं या वो रुचि कोई नहीं लेते हमारे इस पीड़ा पे, तो हम बाध्य होंगे कि एक बड़ा धरना ज्ञापन और आंदोलन लखनऊ में करें। तो साथियों, आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें कि अगला धरना और ज्ञापन जब भी होगा लखनऊ में, आप सबको चलना है और अनिवार्य रूप से चलना है, क्योंकि ये लड़ाई, ये संघर्ष मेरी नहीं, मेरी समिति की नहीं, या एक दो जिलों की नहीं, बल्कि सबकी है, सभी साथियों की है। आखिर हम अपने घरों से दूर हैं। आप हम सोचिए कितना बुरा लगता है जब हम कोई त्योहार मनाने अपने घर आते हैं, जब हम पढ़ने गए थे घर से बाहर निकले थे, और आज लगभग सभी लोग अपने जीवन के 20-25 साल घर से बाहर निकाल दिए। हमें नौकरी मिली है, हमें इस पे गर्व है, हम अपने जो भी अपने जीवन को बदल पाए हैं इस नौकरी की वजह से बदले हैं, लेकिन हमारा सामाजिक जीवन तो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। हमारा परिवार, हमारे मित्र सब टूटने के कगार पे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने घरों से दूर हैं। तो साथियों, इस वेदना को ध्यान में रखते हुए, इस कड़े अनुभव को ध्यान में रखते हुए, आपको मन में दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें हर हाल में संगठन के साथ लग के जुड़ के अपनी भौतिक उपस्थिति, अपनी वैचारिक जो भी आपके अंदर क्षमताएं हैं, वो इस संगठन को देना है। हमें जब भी आह्वान हो संगठन द्वारा कि हमें इस जगह पे जाना है, हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि इस समय संख्या बल ही वो बल है, वो ताकत है, वो शक्ति है जो बड़े से बड़े काम भी करवा सकती है। अगर हम संख्या बल अपना प्रदर्शित कर दें, तो यकीन मानिए कि इसी शीतकालीन अवकाश में हमें कुछ सकारात्मक लाभ मिल सकता है या हमें कोई आदेश मिल सकता है। लेकिन ये सब तभी संभव होगा दोस्तों, जब आप लोग भी हमारा उतना ही सहयोग करेंगे जितना कि कार्यकारिणी के सभी सक्रिय सदस्य लगातार कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि हमारी समिति के, प्रदेश समिति के कोई भी ऐसा सदस्य जिसको आप जानते हो, वो मुझे लगता है कि अपने विद्यालयी कार्य के बाद अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ संगठन को आगे बढ़ाने में, अपनी हमारी जो मांग है, हमारे उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कराने में लगा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सोशली एक्टिव रहें, क्योंकि हमने बीच में ट्विटर अभियान भी चलाया हुआ था, और इस ट्विटर महाअभियान में हमने लगभग 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए, वो भी तब किए जब अधिकतम साथियों ने उस ट्विटर अभियान में हिस्सा नहीं लिया था, और हम 35वें नंबर पर ट्रेंडिंग भी कर रहे थे। तो सोचिए कि जब कुछ साथी मिलकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो यदि आप सभी मिल जाएंगे तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना ही कहना था कि हम लोग जो भी करेंगे, आपको ध्यान में रखते हुए, सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई योजना बनाएंगे, और उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। यदि कोई हमसे त्रुटि होती है, यदि कहीं कोई कमी रह जाती है, तो आपके सुझाव सादर अपेक्षित हैं, उनका स्वागत होगा। और कोई भी साथी, मातृशक्ति, जो भी लोग हैं, वो लोग बराबर अपने इस आकांक्षी ग्रुपों को, समूहों को देखते रहें, क्या सूचनाएं आ रही हैं, कैसी सूचनाएं हैं, आप उन्हें प्रसारित और प्रचारित करते रहें। और जब भी हमारा संगठन आह्वान करेगा, आप हमारे साथ रहें। आप यकीन मानिए कि हम वो भी हासिल कर लेंगे जो हमें लग रहा है कि असंभव है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपनी कार्य समिति की तरफ से कि आप लोग इस दीपावली की छुट्टी में घर पे हैं, आनंद लीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर वो ज्वाला जो 30 है उसको खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि हमें ट्रांसफर बिना पाए ये 30 त्योहार जो भी हमारे आते हैं वो ऐसे ही आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि 3 दिन 4 दिन छुट्टियां मिलती हैं, उसमें हमें त्योहार भी करने होते हैं, और उसमें
हमें अपने परिवार की जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो भी निभाने होते हैं, दोस्तों मित्रों सामाजिक सब कुछ करना होता है। तो सोचिए कि ये काम कितना कठिन हो जाता है। इसलिए इससे मुक्ति पाना है तो हमें संघर्ष करना होगा, और ये संगठन खड़ा हुआ है वैधानिक रूप से खड़ा हुआ है। इसमें आप अपनी बात जो भी कहेंगे उसको बहुत ध्यान से सुना जाएगा, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का यदि समस्या आती है तो संगठन किसी भी साथी के साथ सदैव खड़ा रहेगा। और यकीन मानिए कि ये संगठन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है स्थानांतर कांची जनपदों से। और मैं अन्य साथियों, अन्य जनपदों के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि जब स्थानांतरण खुलेगा तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आकांक्षी जिलों को ही मिलेगा, वो सबको मिलेगा। इसलिए अगर मेरा ये वीडियो या मेरा ये मेरी बातें अन्य जनपदों के साथियों को भी जाती हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं, वो भी हमारा सहयोग करें, क्योंकि यदि आप सहयोग करेंगे तो लाभ आपको भी उतना ही मिलेगा जितना आकांक्षी जनपदों के साथियों को मिलेगा। तो बस मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और आप सबको एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ अपील करता हूँ कि आप लोग अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, उन्हें जोड़ें और इस संगठन के उद्देश्यों से परिचित कराएं, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इस सोच के कि हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना है, उसे भूल जाएं, वो है ही नहीं उस हमारे इस एजेंडे में। बस आपका हमें भौतिक और वैचारिक साथ चाहिए। धन्यवाद।